पिछले कुछ एक महीनों से मेरे YouTube वीडियोस में रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग माय स्किन। प्लीज लेट अस नो व्हाट यू आर डूइंग टू गेट क्लियर स्किन एट होम। 4 महीने पहले मेरी स्किन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आई हैड लॉट ऑफ एक्ने ऑल ओवर माय फेस। धीरे धीरे करके एक्नेस तो चले गए बट दे लेफ्ट एक्ने मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स। सो मैं आप लोग के साथ स्किन केयर रूटीन तो शेयर करूंगी इन माई कमिंग वीडियोज, बट उससे पहले आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट बेसिक्स दैट रियली हेल्प्ड मी टू गेट क्लियर स्किन। क्योंकि स्किन केयर से सिर्फ क्लियर स्किन नहीं मिलती है गाइस, योर स्किन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल केयर बोथ। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होता है फिर भी हम निगलेक्ट कर लेते हैं, और शायद इसी की वजह से माई स्किन सफर थ्रू अ लॉट। सो यस, आई वेंट बैक टू बेसिक्स। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो, दैट इज बेसिक टिप्स ऑन हाउ टू गेट क्लियर स्किन एट होम। बेसिक टिप नंबर 1 इज नो योर स्किन टाइप। बहुत ही बेसिक है बट हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जब मैं 16 से 18 साल की थी उसके बीच मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था व्हाट इज माई स्किन टाइप। मेरी मॉम मुझे जो भी क्रीम ला के देती थी या लोशन ला के देती थी मैं वही लगाती थी, या फिर टीवी में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता था कोई क्रीम का तो मैं उसी को खरीद लेती थी। एंड रिजल्ट बीइंग आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद इट। सो देयर आर 4 बेसिक स्किन टाइप्स। फर्स्ट इज ड्राई, सेकेंड इज नॉर्मल, थर्ड इज कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ इज ऑयली स्किन। आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन। सो आपको कैसे पता चलेगा दैट व्हाट योर स्किन टाइप इज? बहुत ही आसान है। गो टू योर वॉशरूम, ठीक है, ग्रैब योर फेस वॉश, उसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो, फेस धो, देन वेट फॉर 1 आवर टू सी द रिजल्ट। अगर आपकी स्किन स्ट्रेच कर रही है बहुत ज्यादा और ड्राई सी लग रही है देन यू हैव ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली हो चुकी है, ग्रीसी हो चुकी है ऑल ओवर योर फेस देन यू हैव ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन सिर्फ टी जोन एरिया में, दैट इज दिस एरिया, इज ऑयली एंड ग्रीसी एंड चिपचिपी देन यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन। रेस्ट ऑफ योर फेस कैन बी ड्राई और इट कुड बी नॉर्मल। एंड लास्टली इफ यू आर नॉट फीलिंग ड्राई और टू ऑयली टू ग्रीसी देन ब्लेस यू ऑल, गॉड लव्स यू, यू हैव नॉर्मल स्किन। टिप नंबर 2, नो योर स्किन कंसर्न। स्किन कंसर्न से मेरा मतलब है व्हाट प्रॉब्लम योर स्किन इज फेसिंग। जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो वो भी आपसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको आपकी स्किन पे, हमें बताओ। एंड देन यू टेल देम दैट आई एम सफरिंग थ्रू लॉट ऑफ रेडनेस और आई हैव एक्ने ऑन माय फेस एंड दिस इज माय प्रॉब्लम, एंड देन दे एनालाइज योर स्किन। सो नोइंग योर स्किन प्रॉब्लम कैन रियली हेल्प यू टू सिलेक्ट products for your skin. So if your skin concern is pigmentation, acne, acne marks, hormonal acne, eczema, ye sari agar aapke skin concern hai, then I would highly urge you to go to a dermatologist and get yourself checked. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो येस, आई हैव विजिटेड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर माई स्किन कंसर्न एंड माई स्किन प्रॉब्लम दैट वॉज एक्ने, एक्ने मार्क्स एंड एक्ने स्कार्स। एंड जितनी बार भी मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ वो मुझे स्किन केयर की लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं जो कि कॉस्ट करता है कुछ 2 से 3 हज़ार ऊपर से डर्मेटोलॉजिस्ट की फी। Having said that, I do feel privileged, guys, that I can afford to go to a dermatologist. But I know that many of you are on a tight budget, and that's how this brand, The Derma Co, plays very important role for today's video. मैं इस ब्रांड के बारे में काफी बार बात कर चुकी हूँ। I introduced this brand to you all through this video that was 10% niacinamide serum, जिसका मैंने review किया था। I still use that product. Honestly speaking, guys, मैं एक ऐसा brand खोज रही थी जो कि मैं video में recommend कर सकूँ, जिसके products use करके आपको result मिले। This is such an amazing brand and this is going to literally blow the market up in coming years. थोड़े इस ब्रांड के बारे में मैं आपको बता देती हूँ दैट वाई आई लव दिस ब्रांड एंड आई एम गोइंग टू रिकमेंड इट टू यू। फर्स्टली द स्किन केयर रिजिम दैट दे सजेस्ट आर मेड एंड डिजाइन बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली टारगेट्स द स्किन कंसर्न। थर्डली देयर वेबसाइट द dermaco.com गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ स्किन असेसमेंट टेस्ट। ये 2 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें आपको आपका स्किन का प्रॉब्लम बताना रहता है एंड देन इट गिव्स यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न एंड योर स्किन टाइप। थर्ड टिप वुड बी फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन एंड स्टिक टू इट। येस, आई वॉन्ट टू से इट लाउड, स्टिक टू योर स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सिंपल सा प्रॉपर स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करें दैट इन्वॉल्व CTMP, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर स्किन। आई नेवर कैन से द टर्म प्रोटेक्टिंग प्रॉपरली। एनीवे, सो CTMP दैट इज प्रोटेक्ट। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट क्रीम्स भी यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न। मोस्टली मैं ट्रीटमेंट क्रीम रात को अप्लाई करती हूँ टू गेट बेटर रिजल्ट्स फॉर द स्किन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द स्किन असेसमेंट टेस्ट विद यू ऑल। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। यू हैव टू गो टू द dermaco.com वेबसाइट। अभी मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर, जहाँ पे यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक देयर। It is going to open a new window and then get started. The first thing they are asking is your name. मैंने already fill किया था ये form, तो मेरा name already आ गया इसमें. Then your phone number. उसके बाद your email ID. And then are you committed to solving your skin problem? Yes. And then next, your gender, your age. I have
sensitive skin, I have acne on my face. If your pigmentation concern hai, select pigmentation. Next is types of acne that I get. I do get cystic acne. Apart from that, I do get whiteheads and blackheads. Thoda sa ye zyada blackheads nahi hai mujhe. And am I allergic to any of this? Aur koi reaction mujhe hota hai? No. Next. Your skin assessment is complete. Our dermatologist has designed this for us. And you can see that their products are also very, very affordable. Their cleanser is 249 rupees. Their HA BHA gel is 499 rupees. And that is the fifth point which I missed out about this brand. That is, this is an affordable brand. So chalo main apna skincare routine shuru karti hu. I've been using all of their products for the past 1 month. You know that I really cannot talk about a product by just, you know, trying it and testing it for just one day. I really had to make sure that I like them. So this is what my bare skin looks like. It took a lot of mehnat, time, effort, energy to get here, and I'm really happy the way my skin is looking nowadays. So I still have acne marks on my chin, and left side of my face is a sensitive side. The first step is cleansing your skin. For that I got this creamy cleanser from the Dermaco. It has soap free non-foaming formula to it. It has creamy texture. Aap log dekh sakte ho ki ye lather bilkul nahi ho raha hai aur hoga bhi nahi. Ye gently aapki skin ko cleanse karta hai. This is extremely great for people who have sensitive skin. I like to use this in the daytime mostly when I'm not wearing much products on my face. Step 2 is straightening or toning your face. For that I have two products. Ek to mere paas pehle se tha, dusra maine skin assessment test ke baad liya. So this is AHA BHA gel jo ki main pehle use kar rahi hu. This is one of my favorite product from the entire skincare routine that I got from the Dermaco. So this helps in exfoliating the skin and removing the dead skin from your face. It also has 2% salicylic acid and glycolic acid, which are exfoliating agent. It also has niacinamide in it. Mujhe thoda aur niacinamide serum chahiye tha apne face ke liye for acne marks and acne scars. So that is what I used. Aur waise bhi isme number 2 likha hai, so you can definitely use it. It's just that don't overdo the product, I would say. So I just took around half a drop of the product and applied that all over my face. Maine isko review bhi kiya hai apne channel pe, aap log dekh sakte ho. This has helped my skin a lot, when I say a lot, to clear up the acne marks and acne scars. Step number 3 is moisturizing your face, and I got squalene plus zinc oil free formula moisturizer. Ye dono hi acne prone skin ke liye kafi acha hota hai. I did some research on squalene particularly because mujhe iske bare mein pata nahi tha. It is a great hydrator. It prevents the loss of hydration. It also regulates the production of sebum on your skin. And zinc naye acne ko aane mein prevent karta hai by regulating the oil glands on your skin. So yes, they both have anti-inflammatory properties to it and antibacterial properties to it. Okay, step 4 is to protect your skin and lock the benefits of all the products that you have used on your skin. Very, very important. That I got Pure Zinc Matte Sunscreen. Yes, pure zinc it has. So firstly, let's just talk about the consistency, because mujhe pata hai kafi log question karenge mujhe. So I have been using this on and off lately. So after using it for a while, I've realized that little goes a long way for this one, and it takes lot of blending to blend it with your skin. It has non-greasy, non-oily, non-chip-chip formula for sure, and it can last on your skin for 3 hours straight, because this one has SPF 30 PA++++ in it. No doubt it is a good product and good for sensitive skin and acne prone skin, but you have to wait for 1 minute for this product to get absorbed into your skin completely, taki aapko koi white cast na dikhe. So that was the skincare routine which was suggested by the Dermaco website and their dermatologist. Also, you can do that skin assessment test or aap 21 days challenge karna inke products ke saath aur mujhe batana ki aapko kaisa result mila. Please mujhe batana comment section mein. I would love to read your comments, and definitely I will try to reply to you. Always double cleanse your face agar aap makeup use karte ho to. Use a cleansing balm or a micellar water to remove all the makeup from your face, and uske baad use a good cleanser to remove the leftover makeup from your face. Bahut zyada zaruri hai. This has helped my skin a lot, kyunki agar aap cleanse nahi karoge aapke face ko to it's gonna clog your pores. Uske baad jo bhi aap skin care routine karoge na, it's not gonna show the effect to your skin. So this is one such thing which I used to avoid a lot, but now I make sure that I double cleanse my face.
स्टार्ट वर्किंग आउट एंड डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज. अभी तो हम लोग बहुत एक्सरसाइज कर रहे होंगे घर पे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो सब लोग घर पे बर्तन धो रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, दैट्स गुड. बट फिर भी मैं कहूंगी कि वर्कआउट करो और एक्सरसाइज इंक्लूड करो. इट कुड बी एनीथिंग विच रियली हेल्प्स यू स्वेट एंड विच इंक्रीजेस योर हार्ट बीट. जब भी आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है, आप ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करते हो एंड दैट्स हाउ यू बर्न कैलोरीज. एंड रियली गाइज, ट्रस्ट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वर्किंग आउट एंड एक्सरसाइज. एक्सरसाइज करने से दो मेन चीज होती है एंड दैट रियली अफेक्ट्स द स्किन. आई फील इट डिक्रीजेस द स्ट्रेस हार्मोन विच इज कॉल्ड कोर्टिसोल इन योर बॉडी एंड दैट रियली हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. जब भी मुझे स्ट्रेस होता था, इन्फ्लेमेशन होता था मेरे स्किन में एंड आई हैड टू गेट पिंपल ऑन माई फेस. इट ऑल्सो रिलीजेस दिस केमिकल विच इज कॉल्ड एंडोर्फिन, और अभी तो हम सबको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. इट रियली मेक्स यू फील हैप्पी, इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. आपको एनर्जी भी मिलती है एक्सरसाइज करने के बाद, और स्वेटिंग के बाद जो ग्लो आता है, मुझे नहीं लगता कोई और चीज आपको ऐसा ग्लो दे सकता है. नो सीरम कैन गिव यू अ ग्लो द वे एक्सरसाइज गिव्स यू. सो एक्सरसाइज कुड बी रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग. अगर आप घर पे हो तो फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग कर सकते हो, जो मैं करना पसंद करती हूँ. एंड इट हैज रियली हेल्प्ड माई स्किन अ लॉट गाइस. मेरी ग्लोइंग स्किन का राज है ये एक्सरसाइजिंग. सो टेक आउट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम every alternate days or every single day if you want to do it every single day and exercise, because we want good skin, right? Okay, reference pata chala kiska hai. Next tip, this is going to break so many hearts. Avoid processed food and junk food. And trust me, don't underestimate the power of avoiding processed food and junk food. This can absolutely help your skin a lot. 4 महीने पहले की बात करूँ, then I was traveling a lot. I traveled to 4 different cities 4 महीने में. And मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल. And I started eating everything, guys. जो भी मुझे मिला, मैंने किसी चीज को no नहीं बोला. Sugary food है, let me have it. Fried stuff है, let me have it. Just आने दो, सब कुछ आने दो मेरी तरफ. अब आपको प्रोसेस फूड क्यों अवॉइड करना चाहिए आपकी डे टू डे लाइफ में, और उसका इंटेक भी बहुत कम कर देना चाहिए, मॉडरेशन में ही लेना चाहिए, बिकॉज दे आर लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट्स. इफ यू विल चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर प्रोसेस फूड, यू विल रियलाइज कि उनमें कार्बोहाइड्रेट कॉन्टेंट बहुत ज्यादा होता है. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्ब्स, देर इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड देर इज सिंपल कार्ब्स. जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं आपके लिए, और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं दे आर डेफिनेटली नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेल्थ. सिंपल कार्ब्स आर लाइक शुगरी एंड स्टार्ची फूड. यू हैव टू अवॉइड शुगर इन जनरल इन योर लाइफ, बिकॉज शुगर कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. एंड अगर इन्फ्लेमेशन होती है आपकी बॉडी में, देन इट कैन लीड टू एक्ने और पिंपल, एंड देन इट बिकम्स अ विस्कस साइकिल. आप उसमें फंसते रह जाते हो. एंड फिर जितना भी स्किन केयर कर लो, इंटरनली यू आर नॉट हीलिंग योर बॉडी, इट्स नॉट गोना रिफ्लेक्ट एक्सटर्नली. सो अवॉइड ईटिंग प्रोसेस फूड एंड फूड विच आर मेड अप ऑफ सिंपल कार्ब्स, शुगरी एंड स्टार्ची फूड, लाइक चिप्स, कुकीज, पास्ता, योर मिक्सर का पैकेट, योर व्हाइट राइस, योर व्हाइट ब्रेड, एंड रिप्लेस देम विद होल ग्रेन फूड. और मैं तो ये जन्मों से कहती आ रही हूँ, यू आर व्हाट यू ईट. Next step is also related to food, and this is a internal care that you want to do to get good result externally. That is, start including food which are good in antioxidants. My favorite antioxidant rich foods are broccoli, nuts, seeds, that is chia seeds, sunflower seed, flax seeds. These are something that I love to have. Also tomatoes I love to have, and they can really help in reducing the inflammation and acne from your face. Okay, next few tips are something that you already know, but you kind of neglect it every single day. Okay, so I'm just going to remind it to you. Start drinking enough water every single day. 60% of the human body is made up of water. You have to keep yourself and your skin hydrated, guys. Drink enough water. Aur next step, jo ki hum log sab log ignore kar dete hain, maine to kitna ignore kiya hai. Now I made a conscious effort to remind myself ki main jab bhi apne phone pe baat kar rahi hu, directly apne phone ko apne kaan mein laga ke nahi baat kar rahi hu. Either I will use the speaker mode, ji haan, unless or until I really don't want anybody else to hear the conversation, or I will use the headphones, headset jo phone ke saath aate hain, to have the conversation with the person. Kyunki pata hai, your cell phone carries 10 times more bacteria than your toilet seat. It's a fact. So please don't stick your bacteria wala phone to your face, because it can really irritate your already sensitive and acne prone skin, and you can develop acne kyunki aapne apna phone use kiya. So that was all the basic tips and tricks that I have for you. Please try to follow them and you're definitely going to see the result for your skin, for yourself, and you're going to feel good in the end. You have to have patience. I had patience in me. Mujhe pata tha ki something is wrong with me and I need to make some really major lifestyle changes for myself to get good skin and good health.
And that is what I did. I really hope that you found this video informative and helpful. And if you did, please take a moment or mere channel ko subscribe kijiye. The subscribe button is right there. Uske bagal mein notification ka bell icon, usko click kijiye. You will get notification whenever I post new videos on my channel. And is video ko like or share karna mat bhulega. So these are my previous videos that you can see right here. And I'll see you next time with brand new content for this channel. Bye bye.